आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार बच्चों के फेवरेट फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड की चार से किनारे कट कर लेंगे। 3 से 4 पीस हमें रेसिपी के लिए चाहिए, तो यहाँ हमने 4 पीस को इस तरह इक्वल रख लिए हैं और चारों तरफ से किनारे इसके कट कर लिए हैं सेम इसी तरीके से। अब एक बाउल में 2 अंडे तोड़ेंगे हम 1 बाय 1, और इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे। इसके बाद 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे हम, 1 कप दूध, और अच्छी तरीके से फॉक या विस्क की मदद से आप इसको फेंट लें। इसके बाद एक बाउल में ब्रेड रखें, अंडे दूध का जो सिरप हमने बनाया है वो इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अभी 2 पीस में हमने इस तरीके से सिरप ऐड किया, इसके बाद हम 2 पीस इसके ऊपर रखेंगे ताकि सिरप जो है वो सारी ब्रेड में अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए। अब हम सारा सिरप इसमें ऐड कर देंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 1 टीस्पून घी ऐड किया इसमें। अब हम फ्रेंच टोस्ट रखेंगे, सारे ब्रेड एक साथ ही रखेंगे। इसको एक तरफ से हमने पका लिया है, अब दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट इसको हम पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको पलटते जाएं दोनों तरफ से, जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। तो ये देखिए जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त है हमारा फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गया है। इस पर हमने कंडेंस मिल्क ऐड किया है, बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर इंशाल्लाह पेट भर के खा लेंगे। तो प्लीज़ रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।